राधे राधे, मैं मोहिनी पचौरी आपका अपने चैनल राधा मोहिनी की रसोई में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए छोले, जो खाने में काफी हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए ये हमने छोले ले लिए एक कटोरी, ये हमने रात को भिगो दिए थे, अब हम इनको उबाल लेते हैं। उससे पहले हम इसके लिए चाय पत्ती का पानी बनाते हैं। चाय पत्ती पानी बनाने के लिए हमने पानी रख दिया है, पानी में उबाल आ गया है, तो हम इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। इसको अच्छे से उबलने देंगे। पत्ती का पानी उबल चुका है अच्छे से। एक कुकर ले लिया है, इसमें हमने जो रात को भिगो थे छोले वो डाल देते हैं। ये हमने अच्छे से धोकर उसके बाद भिगोए थे, ये डाल देते हैं। अब इसी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच, हम डाल देंगे नमक। और डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा। अब इसी में हम डाल देंगे अपनी चाय पत्ती का पानी जो हमने उबाला था। इससे क्या है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब हम इसको उबाल लेते हैं। यदि आप चाय पत्ती का पानी डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, लेकिन हम डालते हैं क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको ढक्कन लगा, कुकर का हमने ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसको 3-4 सीटी आने देते हैं सबसे पहले, फिर 5-6 मिनट इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। छोले हमारे अच्छे से उबल चुके हैं, गल रहे हैं अच्छे से, देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम बना लेते हैं। कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें डाल देते हैं तेल। एक बड़ा चम्मच हमने तेल डाल दिया इसमें, इसको गर्म होने देते हैं। हमारा सरसों का तेल गर्म हो गया है, तो हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। ये हमने एक बड़ी इलायची ले ली है, लौंग ले लिए 2-3, काली मिर्च ले ली है 10-12, जीरा ले लिया है, एक तेज पत्ता ले लिया है, और ये ले लिया दालचीनी। अब हम इसको डाल देते हैं तेल में। मसाला मरा चटक चुका है, तो ये हमने 10-15 लहसुन की कलियां ले ली है, ये हम डाल देते हैं। अच्छे से लहसुन भून गया है, तो हमने 2 बड़ी प्याज काट लिए, इसको डाल देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भून लेते हैं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन बन चुकी है, तो हम इसको डालेंगे 1 टुकड़ा अदरक ग्रेट किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई।
इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसको डालेंगे मसाले। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालने या टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक चम्मच बड़ा भर के हम धनिया पाउडर डालने। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। आधा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा नमक हमने पहले भी डाला था, थोड़ा आधा चम्मच और डालेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और काली मिर्च पाउडर डालेंगे छोटा चम्मच। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये हमने टमाटर काटे हैं चार पांच बारीक, इनको हम डाल देते हैं। सॉफ्ट होने तक इनको पकने देते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए, एकदम सॉफ्ट हो गए और मसाले में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी तरह तेल में छोड़ दिया मसाले में। अब हम इसमें डाल देते हैं आपको छोटे से मिक्स कर देते हैं। छोलों को हमने थोड़ा सा फोड़ दिया था और इसको अब उबाल आने तक पकने देते हैं, ढक के पका लेते हैं। छोले हमारे बनके रेडी हो गए हैं, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और ये डालेंगे भुनी हुई थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। हमने ये थोड़ी सी तवे पर रोस्ट कर ली थी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको हम चला देते हैं अच्छे से। और डाल लेते हैं इसमें हरा धना कटा हुआ धनिया और उसको हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोले बनके रेडी हो गए हैं। ये खाने में काफी टेस्टी और मजेदार है। तो फ्रेंड्स, हमारे द्वारा बनाए हुए छोले आपको कैसे लगे? आप भी बनाइए, खाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और हमारी राधा मोहिनी की रसोई को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि हम आपके लिए और क्या क्या नई नई रेसिपी लिख रहे हैं। जब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।